नमस्कार दोस्तों गुड मॉर्निंग वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन लोन अगर आप लेते हैं तो कौन से कॉलेजेस एलिजिबल हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस आपके कवर होंगे दोस्तों आजकल हर बच्चे को हर माँ बाप को ये डाउट रहता है कि कौन सा कोर्स एलिजिबल है कौन से कॉलेज में हम दाखिला कराएं जो एजुकेशन लोन मिल जाए बैंक वाले आपको क्लियरली नहीं बताते क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एक जने को क्लियर कर पाए चीजें तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स एजुकेशन लोन से रिलेटेड दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो हम रोज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आते हैं जो आपको आर्थिक फायदा देंगी फाइनेंशियल डिसीजन

तो वो एलिजिबल है एजुकेशन लोन के लिए प्रोफेशन प्रोफेशनल का मतलब यहाँ पे इससे है जिस कोर्स को या जिस पढ़ाई को करने से आपको आगे नौकरी मिलने के चांस हैं उसे हम प्रोफेशनल कोर्स यहाँ पे कहते हैं टेक्निकल से यहाँ पे मतलब है जैसे इंजीनियर है वो एक टेक्निकल कोर्स है आर्किटेक्ट ये सारे इस तरह के अगर आप कोर्स करते हैं तो वो सारे कोर्स जो हैं एजुकेशन लोन के अंडर कवर रहते हैं या फिर आपका जो एडमिशन है किसी भी कॉलेज में वो एंट्रेंस टेस्ट या सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हुआ हो जैसे आईआईटी के थ्रू हुआ हो या और भी कोई भी एम्स का नीट का जो एग्जाम होता है ऐसे एंट्रेंस टेस्ट जो स्टेट या कंट्री से वेरिफाइड है और सरकार करवाती है या कोई और भी करवाता है एंट्रेंस टेस्ट उसके थ्रू अगर आपका एडमिशन हुआ है तो आपका कोर्स जो है वो एलिजिबल है आपका कॉलेज एलिजिबल है एजुकेशन लोन के लिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोफेशनल कोर्सेस प्रोफेशनल कोर्सेस जैसे कि हमने आपको बताया ऐसे कोर्स ऐसी पढ़ाई जिसमें आपको नौकरी मिलने के चांसेस हैं आगे जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी जैसे कि इंजीनियरिंग डॉक्टर बनना टीचर बनना आर्किटेक्ट ये सारे जितने भी कोर्सेज हैं ये सब किस में आते हैं हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज में दोस्तों ध्यान दें बी ए बी कॉम एम कॉम ये सारे कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं हैं इनके लिए आपको बैंक कोई भी लोन नहीं देगी आपको अगर लोन चाहिए तो आपका कोर्स प्रोफेशनल होना चाहिए बैंक को ये लगना चाहिए कि हाँ आपको आगे नौकरी मिल जाएगी और आप उसका एजुकेशन लोन का रिपेमेंट कर सकते हैं स्टडी अब्रॉड अगर आपको बाहर जाने के लिए भी चाहिए पैसा बाहर जाके पढ़ाई करनी है उसके लिए आपको अगर पैसा चाहिए तो जाहिर सी बात है पैसा काफी ज्यादा लगता है बाहर जाने के लिए भी बैंक आपको लोन दे देगी बस इसके लिए आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है बैंक के पास फॉरेन जाने के लिए बैंक आपको बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं देगा आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी बैंक के पास रखनी पड़ेगी अगर आपने बाहर जाके पढ़ाई करनी है और बाहर जाने के लिए भी वही सेम एलिजिबिलिटी है प्रोफेशनल कोर्स या टेक्निकल कोर्स होना चाहिए जिसके लिए आप बाहर जा रहे हैं नेक्स्ट है कौन कौन से एक्सपेंसेस कवर्ड रहते हैं अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो बैंक किस किस एक्सपेंस को कवर करता है सबसे पहले ट्यूशन फीस आपकी कवर्ड रहती है जितनी आपकी कोर्स की फीस है वो कवर रहेगी अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं हॉस्टल की फीस आपकी कवर रहेगी हॉस्टल में मेस का खर्चा भी आता है दोस्तों जो हॉस्टल में मेस का खर्चा होता है वो भी इसमें कवर्ड रहेगा कंप्यूटर या लैपटॉप की अगर आपको जरूरत है अपनी पढ़ाई करने के लिए उसके लिए बैंक आपको पैसा दे देगी कॉपी किताबें खरीदने के लिए देगी या फिर अगर आपका कॉलेज आपको एजुकेशनल टूर पे ले जा रहा है जो कि आपकी पढ़ाई के लिए कोर्स से रिलेटेड है पढ़ाई के लिए जरूरी है वो एजुकेशनल टूर के लिए अगर आप जा रहे हैं तो बैंक उसके लिए भी आपको सारे उसके एक्सपेंसेस कवर करेगी एजुकेशन लोन में डिसबर्समेंट कैसे करती है जो एजुकेशन लोन का पैसा है वो कैसे मिलता है इस पैसे को सेफ रखने के लिए सिक्योरली रखने के लिए पहली जो चीज है वो बैंक क्या करता है या तो आपको बैंकर्स चेक दे देगा शेक दे देगा नहीं तो जो फीस है उसका डायरेक्ट पेमेंट कहां पे हो जाएगा आपके कॉलेज का जो फी अकाउंट है उसमें डायरेक्ट पेमेंट कर देगा या फिर अगर बहुत अर्जेंट बेसिस पे आपने कोई पेमेंट कर दिया है अपने पास से तो उसकी रसीद जो है वो आप बैंक के पास लेके जा सकते हैं और उस बेसिस पे बैंक आपको रिमबर्स कर सकता है आपका पैसा तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी काम की लगी होगी आपके और भी अगर कोई डाउट्स हैं जो आपको क्लैरिफाई करने हैं तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकते हैं हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आपका दिन शुभ हो धन्यवाद